हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्रिएट करने वाली हूँ अपना ये वाला मेकअप लुक। आप मैं इसे वन ब्रांड मेकअप लुक भी कह सकते हैं। इसे ना मैंने क्रिएट किया ब्लू हेवन की फेस्टिवल मेकअप किट से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ना अपने फेस पे मैंने जॉनसन्स बेबी का ये मॉइस्चराइजर लगा लिया था, तो इसे मैंने अच्छे से अपने फेस पे और नेक एरिया पे अप्लाई कर लिया था। उसके बाद ना ये प्राइमर था जो कि मुझे इस किट में मिला था, तो इस प्राइमर को मैंने अपने मतलब जो मेरे ओपन पोर्स हैं वहाँ पे और जहाँ जहाँ मतलब मुझे मतलब ब्लर करना था अपनी स्किन को, वहाँ पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया था। और उसमें ना मतलब ये ना सिलिकन बेस प्राइमर है और बहुत अच्छा है। इसने मेरी स्किन पे जो ओपन पोर्स है उसको एकदम से ब्लर कर लिया था। तो मुझे इसी मतलब मेकअप किट में ये ब्यूटी ब्लेंडर मिला था, इसको मैंने वेट कर लिया था अच्छे से और ना बहुत सॉफ्ट था, ठीक है। तो इसमें जो मुझे ये मिला है फाउंडेशन, वो इस तरह की पैकेजिंग में था और अंदर से ना ये ट्यूब बोतल में मुझे मिला था, जो कि अप्लाई करने में बहुत ईजी होता है। आपको क्या करना है, बस इसको हल्का सा ऐसे राउंड करना है, मतलब ऐसे घुमाना है, उसके बाद ये मतलब ओपन हो जाएगा और इसको अपनी मतलब हैंड पे आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना ले लेना है, अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। तो मैंने भी यही किया था, पहले इसको अपने हैंड पे ले लिया था, फिर उसको टैप टैप करके अपने पूरे फेस पे मतलब मुझे जितना लगाना था उतना लगा लिया था। शुरू में जब मैंने लगाया ना, मुझे ये ना अपनी स्किन से थोड़ा लाइट लगा था कि मतलब थोड़ा वाइट कर देगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको ब्लेंड करने लगी ना, शुरू में तो थोड़ा वाइट वाइट लग रहा था मेरा फेस, लेकिन जब मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड करा ना, तो ये मेरी स्किन में पूरा अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया था। मतलब पता नहीं लग रहा था कि मैंने ऐसा कुछ लगाया है, बहुत अच्छे से ना ब्लेंड हो गया था ये बहुत ईजिली। मैंने अपनी ना नेक पे भी अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया था फेस पे, और जहाँ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था ना, वहाँ मैंने हल्का सा थोड़ा सा और ले लेके थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद ना इसमें मुझे कोई फिनिशिंग पाउडर या कॉम्पैक्ट नहीं मिला था, तो ब्लू हेवन का फ्लोस ये वाला मतलब फिनिशिंग पाउडर मेरे पे पहले से था, तो मैंने इसको अच्छे से ना मतलब अपने फेस को सेट करने के लिए मतलब लगा लिया था। मतलब मैंने इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से लगा लिया था। उसके बाद ना अब मेरी फेस को कॉन्टोरिंग करना था, तो कॉन्टोरिंग के लिए इसमें कुछ था नहीं, तो मैंने क्या किया, जो इसमें इन लोगों ने मुझे आई शेडो प्रोवाइड किया है मतलब हमें, तो उसका मैंने एक थोड़ा सा ब्राउन सा शेड था जो कि मैं मतलब कॉन्टोर के लिए यूज़ कर सकती थी, मैंने उस वाले मतलब शेड को लेके अपनी फेस पे हल्का हल्का कॉन्टोरिंग कर दिया था। ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है, तो जितना मेरे को आया मैंने उतना कर दिया था, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा था। मैंने हल्की नेक पे और चिक्स पे कर लिया था कॉन्टूर, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पे ना मतलब क्या करना था, इसके बाद बारी आती है अपने ब्राउज को फिल करने के लिए। तो जो इन्होंने काजल दिया था ना, मैंने उसको ही हल्के हल्के हाथों से फिल कर लिया था। ये ब्लैक था और मेरी ना ब्राउज थोड़ी ब्राउन शेड में है, तो मैंने बहुत लाइट लाइट किया था, लेकिन ये थोड़ा डार्क सा लग रहा था। उसके बाद अब बारी आती है मेकअप की, आई मेकअप की। तो मैंने आई मेकअप के लिए हल्का सा शेड लेके हल्के मतलब हाथों से इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया था अपनी क्रीज पे। तो मैंने एक ही शेड यूज़ किया था, ज़्यादा नहीं किया था, हल्का सा रेड टाइप का था, रेडिश सा था, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था अपनी आईज पे, ठीक है। उसके बाद जब ये ब्लेंड हो गया था, उसके बाद अब मैंने क्या किया, इन लोगों ने ना इसमें लाइनर नहीं दिया है आपको, तो मैंने क्या किया, काजल को ही एज अ लाइनर यूज़ किया था। तो मैंने हल्के हाथों से ना पहले अच्छे से इसको मतलब एज अ लाइनर मतलब अपनी दोनों आईज पे अप्लाई कर लिया था, और ना ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा था कि आपने काजल अप्लाई किया है या लाइनर करा है, मतलब बहुत अच्छे से हो गया था, ईजिली बहुत लग गया था। जैसे आप ना ये समझ लो स्केच लाइनर होता है ना, सेम वैसा ही आपको फील आएगा कि आप आराम से कर रहे हो, बहुत ईजिली हो गया था। उसके बाद ठीक है, अब बारी आती है मस्कारा की। तो मस्कारा में इन लोगों ने ये वाला मस्कारा दिया है, तो इसे ना मैंने पहले यूज़ किया था, मुझे इतना पसंद नहीं आया था, तो मेरे पे ब्लू हेवन का ये दूसरा मस्कारा था। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी चीटिंग कर ली, मैंने उस वाले मस्कारा की जगह इस वाले मस्कारा को यूज़ कर लिया था। तो ये वाला मस्कारा ना मुझे बहुत पसंद है, ऐसा ना मतलब आपकी लैशेस को थोड़ा सा ना हैवी बना लेता है, बहुत अच्छे से ना बड़ा बड़ा सा दिखाता है। तो मैंने यही अप्लाई कर लिया था, ठीक है। जब ये हो गया, उसके बाद ना मैंने हल्के हाथों से काजल लगाया। काजल मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, तो मैं बहुत नाम के लिए बस काजल लगा लिया था, बहुत लाइट लाइट सा। तो यहाँ पे अब मेरा आई लुक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके बाद बारी आती है ना ब्लश की। तो ब्लश के लिए उन्होंने ये वाला
ये वाला ब्लश, तो ये ब्लश ना आपको इस तरह की पैकेजिंग में मिल जाता है और इसकी पैकेजिंग ना बड़ी क्यूट है। ये देखने में ना आपको कितना रेड रेड लग रहा होगा अभी, लेकिन जब मैं लगाऊंगी ना देखना, ये आपकी स्किन में ना पता नहीं लगता है, मतलब बड़ा प्यारा सा लगता है। तो लगाने से पहले मैंने अपने फेस पर ना एक बड़ी सी स्माइल कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या करा मैंने, नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की साइड इसे लगा लिया अच्छे से, ठीक है। अब लगा लिया मैंने, आप देखो यहाँ पर ना आपको कितना डिफरेंस दिख रहा होगा पहले ही, मतलब और इतना लाइट डार्क भी नहीं लग रहा है और बड़ा प्यारा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई हाइलाइटर नहीं मिला है, तो मैंने आई शेडो से एक थोड़ा सा ग्लिटर जैसा शेड था उसको अच्छे से लगा लिया था। तो लिपस्टिक की बारी आती है, तो लिपस्टिक में इन्होंने दो लिपस्टिक दी है आपको, एक मरून टाइप की और एक पिंक टाइप की। तो इन्होंने ना इसमें आपको कोई लाइनर नहीं दिया है, तो मैंने पहले क्या करा, ये लिपस्टिक से ही लाइनर जैसा ड्रॉ कर लिया। तो ये दिखने में ना पहले वर्ल्ड लिपस्टिक लग रही थी, लेकिन ये ना एक्चुअल में लिक्विड लिपस्टिक है। तो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया और उसके बाद मैंने अपने मतलब अच्छे से लिप्स पर अप्लाई कर लिया था, ठीक है। और ये लग के ना बड़ा प्यारा सा शेड लग रहा था, बहुत स्मूथ सा लग रहा था, मतलब बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो अब उसके बाद ना बारी आती है अपने फेस को सेट करने की। तो सेट के लिए मैंने वो जो आपको दिखाया ना था ब्लू हेवन का फिनिशिंग पाउडर, तो मैंने उससे अच्छे से मतलब शेड कर लिया था। अब आप लोग देखो ना कि आपको मतलब ये किट मुझे जब मैंने डिस्काउंट मिली थी तो ये 540 की मिली थी और उसमें मुझे 10 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर आप एक का भी 100 रुपीज़ लगाते हो तो भी ये 100 के हिसाब से भी 10 के 1000 बन जाते हैं, और ये मुझे केवल 540 में मिली थी। तो ये मेरे लिए तो बेस्ट डील थी, और ये ना आपको हमेशा डिस्काउंट में मिल जाता है, कभी 540, 600, 700 इतने में आपको ईजिली मिल जाता है, और इसमें आपको 10 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आपको अलग अलग से नहीं लेना पड़ता। तो मेरे लिए ये बेस्ट डील है। तो अब लास्ट स्टेप बचा है मतलब अपने फेस को सेट करने के लिए मुझे मेकअप फिक्सर डालना था। तो ये रहा अब मेरा फाइनल लुक। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।